गुना में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने गुना में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप एक वोट दो और केंद्र और राज्य में दो सरकार लो। वहीं इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के मंत्रियों की तुलना सांप से भी कर दी है। देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव में हार के भाजपा लोकसभा चुनाव में सत्ता अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। जी हाँ, लिहाजा मध्य प्रदेश में बीजेपी विजय संकल्प यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ गुना में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने हुंकार भरी और राजा महाराजाओं को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रोजगार के नाम पर कमलनाथ सरकार सांप पकड़वा रही है। अगर सारे सांप पकड़ लिए तो वल्लभ भवन कौन बैठेगा? कोई भी खड़ा हो यहाँ पर, कोई राजा हो महाराजा हो, कब तक पूछते रहेंगे? कब तक इनकी चरण वंदना करते रहेंगे? क्या ये हमारे घर पर भोरा टेका जाते हैं गल्ले का? क्या ये हमारे बच्चों की नौकरी लगाते हैं? क्या ये हमारे बीमारी में दवाई करवाते हैं? क्या करते हैं आपके साथ जो आप कहते हैं? बहुत से लोग कहते हैं महाराज है महाराज है। अरे ये महाराजों का जमाना निकल गया, अब तो पब्लिक में और निर्वाचित नौकर होता है, सेवक होता है। गोपाल भार्गव सेवक है, शिवराज जी सेवक है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जी सेवक है। हम लोग कहेंगे राजा महाराजा नहीं। ये किसान पुत्र बैठे हैं दोनों जन और बाकी यहाँ पर बैठे हैं, हमें कोई गर्व महसूस नहीं होता राजा और महाराजा से। और अच्छा है भगवान ने हमें किसी महारानी कोख से जन्म नहीं दिया। हम लोग गरीब घर में पैदा हुए हैं लेकिन बेईमान नहीं है। इस बात को हम कहना चाहते हैं, हम मक्कार नहीं। हम हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करने वाले नहीं है। हम पाकिस्तान को जानकारी देने वाले नहीं है। हम हिंदुस्तान के सैनिकों को मरवाने वाले नहीं है। हम नौजवानों के लिए अंत में यही कहना चाहता हूँ, सरकार ने क्या विज्ञापन निकाला है नौकरी के लिए? काम ने आरक्षण बढ़ा दिया। अरे भैया आरक्षण तो बढ़ा दिया, नौकरी कहाँ है? क्या पूरी दुकान आप लूट ले जाओ, पता चला दुकान खोल के ताला खोल के दुकान के अंदर कुछ है ही नहीं। इस तरह की स्थिति नौजवानों के साथ कर दी। अब नौकरी आप कौन सी दे रहे हैं? नौजवान बता रहे हैं, एक मध्य प्रदेश का विज्ञापन निकला है सरकार का कि नौकरी चाहिए हो यदि नौजवानों के लिए, एमएससी एमए पीएचडी डॉक्टरेट पढ़े लेकिन नौजवानों के लिए, तो हम मवेशी चराने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपने घोड़ चराने की नौकरी दी। दूसरी नौकरी ये दे रहे हैं बाजा बजाने, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए जिन्होंने 18-18-19 क्लासें पढ़ी हैं, 22 क्लासें पढ़ी हैं, उनके लिए ढोल चराने की बाजा बजाने की ये नौकरियां दे रहे हैं। और हमें अब जानकारी मिली है कि तीसरी नौकरी और खोल रहे हैं, वो सांप पकड़ने की, नाग नागिन को पकड़ने की नौकरी दे रहे हैं। 500 रुपया देंगे यदि एक सांप को पकड़ के लाओगे। अरे हम कहते सब सांप पकड़ जाएंगे तो वल्लभ भवन में अब बैठेगा कौन? मंत्रालय में बैठेगा कौन? मंत्रियों के तो बंगले ही खाली हो जाएंगे, सब सांप पकड़ जाएंगे। असली तो यही है। इतना ही नहीं, भार्गव ने एक बार फिर मध्य प्रदेश में सरकार गिराने को लेकर बड़ा बयान दिया। भार्गव ने कहा कि एक वोट में दो सरकार मिलेगी। केंद्र में मोदी की सरकार बनते ही मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने में एक महीना भी नहीं लगेगा। यदि आप विजय बनाएंगे तो एक वोट में आपके लिए दो सरकार मिलेगी। एक तो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और जब केंद्र में अपनी फिर से सरकार बन जाएगी तो फिर इस मध्य प्रदेश की सरकार को एक महीने से ज्यादा नहीं लगने वाला है, यह सरकार जो की जो चली जाए। एक वोट में दो फायदे हैं, कहीं एक वोट में एक ही आदमी जीतता है, यहाँ दो सरकारें बन रही है एक वोट में। कुल मिलाकर नेता प्रतिपक्ष ने अपने बयानों से स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र में अगर फिर से मोदी सरकार बनी तो फिर मध्य प्रदेश में जोड़ तोड़ से सरकार गिराने और बनाने की कोशिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, गुना।